आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि किस तरह से हमारे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देश भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता वोट देती है, वोट देके सरकार चुनती है, तो जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 11 मई को ऑर्डर आया, 11 मई को उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को सारी पावर होनी चाहिए काम करने की। 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने अध्यादेश लाके फिर से सारी पावर छीन ली दिल्ली सरकार की। पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चिंता ना करना, मैं हूं, काम नहीं रुकने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, ये मेरी जितनी पावर छीन ले। अब तो फिर भी आप लोगों ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, 2014 के पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, रामलीला मैदान में बैठ के इनसे काम करवा लिया करता था। अब तो फिर भी मुख्यमंत्रियों काम सारे स्पीड हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, अगर शक्तियां आ जाए सारी की सारी तो जिस काम में एक साल लगता हो सकता है 10 दिन में काम हो जाए। तो मैं काम कोई नहीं रुकने दूंगा, आपके स्कूल चलते रहेंगे, आपके अस्पताल चलते रहेंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक चलते रहेंगे, आपकी दवाइयां टेस्ट जो मुफ्त हैं वो सारे चलते रहेंगे, आपकी बिजली चलती रहेगी, आपका पानी चलता रहेगा, कुछ नहीं रुकने दूंगा। लेकिन ये है, सुप्रीम कोर्ट में अब केस कराया हमने, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों का साथ देगा और फिर से हमें सुप्रीम कोर्ट वापस शक्तियां दिलाएगा ताकि और जोर शोर से हम काम कर सकें। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बस ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा, मेरी आखिरी सांस आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।